नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVDB पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों दिन भर के मुख्य समाचार हैं, बड़ी खबरें आए फटाफट अंदाज में, आगे इसी वीडियो में जानेंगे। ये वो खबरें हैं जो कोदी मीडिया अब तक नहीं पहुंचाता है। तो वहीं दोस्तों खबरों की तरफ बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की लहर को देखते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा, चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, आईएएस नियमों में बदलाव का कई राज्यों ने किया है जबरदस्त विरोध, बताया है संघीय ढांचे पर प्रहार। जी हां दोस्तों, आईएएस नियमों में प्रस्तावित बदलाव के विरोध में अब केरल और तमिलनाडु भी आ गए हैं। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर के इन बदलावों का विरोध किया है। इससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने विरोध में पत्र लिखा है। ऐसा करने वालों में एनडीए वाले राज्य सरकार और बीजेपी शासित राज्य सरकारें भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार विरोध करने वाले राज्यों में उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार और मेघालय भी शामिल है। ये यहां पर दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर के मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और कई राज्यों ने आईएएस नियमों में बदलाव को लेकर के यहां पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव में हिंदू मुस्लिम और जिन्ना को लेकर के राकेश टिकैत का बड़ा बयान, योगी आदित्यनाथ की सरकार पर बोला है हमला। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही सियासी समर में बयानबाजी और भी तीखी होती चली जा रही है। इस बीच भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का जिक्र किया है। उन्होंने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि अगले 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत उत्तर प्रदेश में रहेगा, जनता को इनके प्रवचनों में नहीं आना है। इसके थी आप लोगों को बताते चले, राकेश टिकैत से जब किसानों के वोट देने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि 13 महीने दिल्ली में ट्रेनिंग होने के बाद में अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा, इसका मतलब है ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही है, आधे रेट में फसल बेच करके अभी चुनाव में बताना पड़ेगा कि क्या करना है। ये सब किसान होशियार हैं, अपना काम अच्छे से कर लेंगे। ये यहां पर राकेश टिकैत ने इशारों ही इशारों में बीजेपी को हराने की अपील कर दी है किसानों से। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चले, केंद्रीय मंत्री अपने बयान पर बुरी तरीके से फंसे हैं। जी हां दोस्तों, क्या कुछ है पूरा मामला बताते चलें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सांसद और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो गया है और इस वीडियो के वायरल होने के बाद वहां फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वीडियो में दिखता है कि केंद्रीय मंत्री रोड शो के दौरान एक गाड़ी में सवार है। इस दौरान वहां पास में खड़े एक शख्स से कहते हैं कि पंडितवाद मुर्दाबाद, यह कहने का उनका वीडियो वायरल हुआ तो ट्विटर पर लोगों ने उन पर चढ़ाई कर दी। ब्राह्मण समाज से जुड़े लोगों ने केंद्रीय मंत्री के खिलाफ ट्विटर पर हैशटैग पंडितवाद जिंदाबाद चलाया और कहा कि केंद्रीय मंत्री को अपने इस कृत्य के लिए माफी मांगनी चाहिए। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें, बीजेपी प्रत्याशी के ड्राइवर की गुंडागर्दी, प्रचार वाहन रोका तो ग्रामीणों पर तानी है पिस्टल, वीडियो हुआ है सोशल मीडिया पर वायरल। जी हां दोस्तों, यूपी चुनाव में अब दबंगई का रंग भी देखने को मिल रहा है, जहां एक भाजपा प्रत्याशी के समर्थक ने भाजपा का विरोध कर रहे ग्रामीणों पर ही पिस्टल तान दी। आप लोगों को बताते चले, दरअसल मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी को बाहरी बता करके उनके समर्थकों की गाड़ी यहां पर गांव वालों ने घेर ली। इस पर चालक ने पिस्टल निकाल ली और वहीं ज्यादा भीड़ हो जाने पर मौके से चुपचाप नेताजी निकल लिए और इसी दौरान किसी ने घटना का यहां पर वीडियो बना लिया जो कि अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है, जिसके बाद भाजपा नेताओं पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें, यूपी चुनाव सत्ता के लोग फैला रहे हैं कोरोना पर एफआईआर, केवल विपक्ष के नेताओं पर ही, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर अखिलेश यादव ने खड़े किए हैं सवाल। जी हां दोस्तों, यूपी में बीजेपी और सपा के बीच जुबानी जंग लगातार चालू है। अब सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनावी कार्यक्रमों को लेकर के बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने अमित शाह के चुनावी कैंपेन पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता के लोग कोरोना फैला रहे हैं लेकिन एफआईआर सिर्फ विपक्ष के नेताओं के खिलाफ ही हो रही है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि बीजेपी के पास ना तो रोजगार पर बात करने के लिए है, ना ही किसी भी तरह के विकास कार्य को वो गिना सकती है, इसलिए वो कैराना का मुद्दा उठा रहे हैं, लोगों को बांटने का ही यह लोग काम करते हैं। ये यहां पर कहना है अखिलेश यादव का। इस बीच एक और बड़ी खबर बताते चलें,
ये है योगी की पुलिस का असली चेहरा। चौकी के अंदर युवक को जमकर के पीटा हुई मौत, परिजनों ने लगाए हैं गंभीर आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी के एक अस्पताल में मोबाइल चोरी के संदेह में एक 17 वर्षीय लड़के को कथित रूप से उसके चाचा और 3 पुलिसकर्मियों ने एक पुलिस चौकी के अंदर बेरहमी से पीटा, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। चौकी प्रभारी कार्यालय समेत 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। और वहीं इस मामले के सामने आने के बाद यहां पर विपक्ष भी हमलावर हो चुका है योगी सरकार पर। आप लोगों को बताते चलें, अखिलेश यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के कहा है कि योगी की पुलिस पूरी तरीके से राज्य के अंदर बेकाबू है और पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में यूपी नंबर वन है। ये यहां पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा है दोस्तों। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें, यूपी चुनाव वोट मांगने निकले हैं राज्य मंत्री सुरेश पासी के सामने लगे हाय हाय के नारे, विधानसभा में ही हुआ है जबरदस्त विरोध। आप लोगों को बताते चलें, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटे योगी सरकार में राज्य मंत्री और जगदीशपुर के विधायक सुरेश पासी को अपनी ही विधानसभा में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा है। राज्य मंत्री के गांव में प्रवेश करते ही ग्रामीणों ने हाय हाय के नारे लगाने शुरू कर दिए। नारेबाजी के बीच मंत्री बिना कुछ कहे चुपचाप निकलते हुए नजर आए। मंत्री सुरेश पासी के विरोध का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। तो ये तो हाल है दोस्तों योगी सरकार में मंत्रियों का। इससे पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जब अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे तो उनका भी वहां पर महिलाओं ने जबरदस्त तरीके से विरोध किया और नारेबाजी की। तो ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि भाजपा के नेता हो या कोई भी मंत्री हो या कोई भी विधायक हो, सभी लोगों का यहां पर जबरदस्त तरीके से विरोध किया जा रहा है। गांव में जो भी नेता जा रहा है खदेड़ा जा रहा है। एक और बड़ी खबर बताते चलें, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने किया है सपा का समर्थन, बोले अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूं। जी हां दोस्तों, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सपा का समर्थन करते हुए कहा है कि वह अखिलेश यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि वह सपा अध्यक्ष को विधानसभा चुनाव में जीतते हुए देखना चाहते हैं। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि वह अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष यूपी की करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और भीम आर्मी उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी। ये यहां पर कहना है चंद्रशेखर आजाद का। इस बीच अगली बड़ी खबर बताते चलें, भय भ्रष्टाचार और भेदभाव एक बार फिर से योगी सरकार पर बरसी है। मायावती कहा मजहब भी असुरक्षित है। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में अब तक निष्क्रिय दिखी बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने लगातार दूसरे दिन योगी सरकार पर हमला किया है। मायावती ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जान माल के साथ मजहब असुरक्षित है। बसपा प्रमुख ने यह भी आरोप लगाया है कि योगी सरकार उनके काम काज का श्रेय ले रही है। मायावती ने एक के बाद एक दो ट्वीट के जरिए योगी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा, भय भ्रष्टाचार भेदभाव व जान माल मजहब की असुरक्षा अर्थात यूपी की 72 कानून व्यवस्था, बेरोजगारी व लाखों पलायन आदि विशाल आबादी वाले इस राज्य की सबसे बड़ी समस्याएं हैं जो लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। एवं समाज व प्रदेश लगातार पिछड़ रहा है, अति दुखद बात है। ये यहां पर मायावती ने घेरा है योगी आदित्यनाथ को। दोस्तों इस समय की आज की सभी बड़ी खबरें थी जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू एंड बीडीबी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी मुख्य समाचारों को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।